हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि शर्मा फ्रॉम जीपीसी भरतपुर। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या होती है? शाफ्ट एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जैसे ये मार्कर है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए शाफ्ट लाइक दिस। तो शाफ्ट क्या है? एक रोटेटिंग मेंबर है, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है शाफ्ट। और ये किस काम में आता है? ये काम में आता है पावर ट्रांसमिट करने के। तो यहां ए शाफ्ट इज ए रोटेटिंग मेंबर, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या करता है? एक प्लेस से या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं शाफ्ट के माध्यम से। और ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि रोटेट कर सकती है, ठीक है। इट इज डिजाइंड टू ट्रांसमिट टॉर्क एंड टू सपोर्ट रोटेटिंग मेंबर्स। तो दो फंक्शन है इसके, एक तो टू ट्रांसमिट टॉर्क, ट्रांसमिट टॉर्क मीन्स ट्रांसमिट पावर, क्योंकि पावर और टॉर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टॉर्क ट्रांसमिट हो गया, इट मीन्स पावर ट्रांसमिट हो चुकी है। और दूसरा क्या फंक्शन है शाफ्ट का? टू सपोर्ट रोटेटिंग मेंबर्स सच एज पुलीज, गियर्स एंड फ्लाईव्हील्स एक्सेट्रा विच आर माउंटेड ऑन दी शाफ्ट। तो यहां पे जैसा कि देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर शाफ्ट है और ये शाफ्ट इन बियरिंग्स में सपोर्टेड है, और इस शाफ्ट के ऊपर दो गियर्स माउंटेड हैं। तो ऑब्वियसली गियर हवा में तो हो नहीं सकते, तो ये किसके ऊपर है? शाफ्ट के ऊपर। और ये शाफ्ट कहां किस तरीके से इनका वेट ले रही है? इन बियरिंग्स के थ्रू। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है किस तरीके से ये शाफ्ट जो है इन एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है जो इसके ऊपर माउंटेड है। तो ये दो फंक्शन है शाफ्ट के, और इसके लिए शाफ्ट की डिजाइन की जाती है, उसका डायमीटर कितना होगा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट इज डिजाइन टू ट्रांसमिट टॉर्क एंड टू सपोर्ट रोटेटिंग मेंबर्स सच एज पुली, गियर्स एंड फ्लाईव्हील एक्सेट्रा। दीज एलिमेंट्स प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट इन एडिशन टू टॉर्क। तो अब हम इस शाफ्ट के डिजाइन पार्ट को देखें, तो शाफ्ट किस तरीके के फोर्सेज में सब्जेक्टेड है? शाफ्ट के ऊपर एक तो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है, एक शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। इसके अलावा शाफ्ट के ऊपर एक्सियल फोर्स भी अप्लाई हो सकता है यदि एक्सियल फोर्सेस वहां है तो, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से अप्लाई होता है हम देख सकते हैं। ये शाफ्ट है जिसके ऊपर ये गियर माउंटेड है, तो गियर क्या करेगा इस शाफ्ट के ऊपर, जैसे पर्टिकुलर शाफ्ट और ये गियर है, तो गियर का वेट इसके ऊपर है। और जब इस गियर का वेट इसके ऊपर है और ये शाफ्ट यहाँ पे सपोर्टेड है बियरिंग्स में, तो यहाँ पे रिएक्शंस होंगे जो कि हम बेसिक सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और इस कारण से इस वेट का एक मोमेंट होगा यहाँ एंड्स पे, बल वेट गुणा डिस्टेंस। यदि ये बीचों बीच है तो मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इस ट्रांसफर शियर लोड। ये कैसा लोड है? ट्रांसफर शियर लोड है, क्योंकि ये शाफ्ट के जो क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल है और इसके लंबवत है एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर शियर लोड। तो दीज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट माउंटेड है शाफ्ट के ऊपर, क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेंडिंग मोमेंट, और इसके अलावा टॉर्क भी प्रोड्यूस करते हैं। और टॉर्क के कारण क्या होता है? टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेज। टॉर्क के कारण क्या जनरेट होते हैं इसमें? टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेज। क्योंकि शाफ्ट इस यदि हम इस पर्टिकुलर शाफ्ट को कंसिडर करें, तो इस शाफ्ट में टॉर्क इस बिंदु से इस बिंदु तक ट्रांसमिट हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये शाफ्ट टॉर्क को रिसीव कर रही है, और यहाँ पे ये शाफ्ट टॉर्क को ट्रांसमिट कर रही है टू गियर थ्री, टू शाफ्ट थ्री बाय दिस गियर अरेंजमेंट। इसके अलावा शाफ्ट में कोई एक्सियल फोर्स भी लग सकता है पर्टिकुलर इस तरीके से, तो शाफ्ट में एक्सियल स्ट्रेसेज भी हो सकते हैं। इसके बाद इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, द वेरियस मेंबर सच एज पुलीज, गियर, क्रैंक एक्सेट्रा आर माउंटेड ऑन इट। तो ये हम देख चुके हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, हम देखते हैं कि ये सबसे पहले ड्राइवर शाफ्ट है, शाफ्ट नंबर वन। ये ड्राइवर शाफ्ट को किसी पर्टिकुलर इंजन से या पावर सोर्स से एनर्जी मिल रही है, और उस कारण से ये शाफ्ट रोटेट हो रही है।
जब ये शाफ्ट रोटेट हो रही है तो इस शाफ्ट पे जो ये गियर वन माउंटेड है ये रोटेट हो रहा है, ये गियर इस गियर से मैश है, मीन इन दोनों के जो टीथ हैं वो एक दूसरे के अंदर मैश है। तो जब ये गियर रोटेट हो रहा है तो जब ये गियर रोटेट हो रहा है तो ये गियर रोटेट होगा क्योंकि इन दोनों के टीथ एक दूसरे के अंदर क्या है, मैश है। जब ये रोटेट होगा तो इसको रोटेट होना पड़ेगा इस तरीके से। जब ये गियर टू रोटेट होगा तो ये शाफ्ट टू रोटेट होगी, जब ये शाफ्ट टू रोटेट होगी तो ये वाला गियर रोटेट हो जाएगा, जब ये गियर रोटेट हो जाएगा तो क्योंकि ये गियर इस गियर के साथ मैश है तो ये गियर रोटेट होगा, और जब ये गियर रोटेट होगा तो ये शाफ्ट रोटेट होगी। तो इस तरीके से जो टॉर्क है या पावर है वो इस ड्राइवर शाफ्ट से इस ड्रिवन शाफ्ट को ट्रांसमिट हो गई, मीन्स सब ये ड्राइवर शाफ्ट रोटेट हो रही थी बाई किसी बाई टेकिंग एनर्जी और पावर फ्रॉम एनी इंजन और सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके कारण से फिर ये ड्रिवन शाफ्ट जो है ये ड्रिवन शाफ्ट रोटेट होगी। तो हम देख सकते हैं कि इस शाफ्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कर दिया, पावर का ट्रांसमिशन कर दिया। In order to transmit, ये हो गया ठीक है। These members are mounted on the shaft by means of keys or splines. तो ये एक और स्पेशल चीज है कि जो ये पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये की वजह से हो रहा है। ये की दिख रही है, ये की किस तरीके की होती है, की जो है एक स्क्वायर एलिमेंट है, इट इज ए स्क्वायर एलिमेंट। इस की का आधा हिस्सा यहाँ पे ये खांचे कट होते हैं स्प्रॉकेट्स, और ये की का जो आधा हिस्सा है वो इस शाफ्ट के अंदर है और बचा आधा हिस्सा इस गियर के अंदर है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये गियर ये शाफ्ट नंबर वन जो ड्राइवर शाफ्ट है ये रोटेट हुई, जब ये रोटेट हुई तो इसके कारण से ये की रोटेट हुई क्योंकि इस की का आधा हिस्सा इस शाफ्ट के अंदर है। जब ये की रोटेट हुई तो इस की के कारण ये गियर रोटेट हुआ, और जब ये गियर रोटेट हुआ तो फिर इस तरह से आगे ये वाला गियर रोटेट हुआ। जब ये गियर रोटेट हुआ तो ये की नंबर टू का आधा हिस्सा इस गियर में है और आधा हिस्सा इस शाफ्ट के अंदर है। तो जब ये गियर रोटेट होगा तो ये की रोटेट होगी, और ये की रोटेट होगी तो ये शाफ्ट रोटेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि की के द्वारा शाफ्ट ये जो शाफ्ट का रोटेशन इस गियर तक पहुंचता है। यदि हमें की नहीं लगाएंगे तो भी रोटेशन तो होगा, लेकिन उस केस में स्लिप होने के चांसेस है। मीन्स हो सकता है हमारी ये पर्टिकुलर शाफ्ट 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, मीन्स एक मिनट में 1000 रोटेशन कर रही है, और ये जो है 990 रोटेशन ही करे, मीन्स दोनों की स्पीड में अंतर हो जाएगा। उस स्पीड उस स्लिप है पर्टिकुलर, उस स्लिप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो की वगैरह होता है इसका एप्लीकेशन करते हैं, की यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाता है, और जितना ये शाफ्ट रोटेट होगी उतना ही इसको रोटेट होना पड़ेगा। तो मीन्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, कोई स्लिप नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं शाफ्ट के अंदर बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शनल स्ट्रेस जनरेट होते हैं, और साथ में ये भी देखा कि शाफ्ट क्या कर रही है, टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है और पावर ट्रांसमिट कर रही है। पी बराबर टी गुना ओमेगा, जैसे लीनियर मोशन में क्या होता है, पी बराबर एफ गुना वी, हियर पी बराबर टी गुना ओमेगा। टी क्या है, टॉर्क, और ओमेगा क्या है, रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड। मीन्स यदि टी टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है एट ओमेगा आरपीएम, ओमेगा रोटेशनल स्पीड पे, तो हम कहेंगे पी पावर ट्रांसमिट हो रही है। इसका आगे क्या फॉर्मूला है, टी गुणा ओमेगा का 2πn/60। एन क्या है, आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट। मीन्स यदि ये कोई पर्टिकुलर शाफ्ट 1000 आरपीएम ये एन आरपीएम पे रोटेट कर रही है तो इसकी रोटेशनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 2πn/60।
ये ओमेगा, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है पी बराबर 2πnt/60W। जो एन 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 किस में होगा, आरपीएम में होगा, और टॉर्क टी क्या है, टॉर्क, टॉर्क की क्या यूनिट होगी, न्यूटन मीटर इन एन केस, फोर्स गुना डिस्टेंस न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से ये चीजें पावर और टॉर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसका एक फॉर्मूला और भी लिखा जा सकता है, पी बराबर 2πnt/60,000 kW। इसमें भी n आरपीएम में और t न्यूटन मीटर में, यहां हजार का डिवाइड कर दिया हमने, हजार का डिवाइड कर दिया, तो अब जो पावर की यूनिट आएगी वो किलोवाट के अंदर आएगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क। तो ये क्या होते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क, मान लीजिए ये पर्टिकुलर शाफ्ट है और इस पर्टिकुलर शाफ्ट पे कोई पर्टिकुलर वेट माउंटेड है और इस तरीके से ये शाफ्ट इसमें सपोर्टेड है बियरिंग्स के बीच में, तो यहां पे क्या होगा, रिएक्शंस होंगे जिसके कारण से ये वेट को सपोर्ट कर रही है और साथ में इसका एक मोमेंट भी होगा इन पे। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर शाफ्ट एम मोमेंट में सब्जेक्टेड है, मतलब इस पे ये जो शाफ्ट है इसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट एम है, तो इसके कारण से क्या होगा, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और उन बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बी बराबर एम बाई जेड। सिमिलरली ये रोटेट हो रही है और टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है और टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है, तो यहाँ पे टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और उनका क्या फॉर्मूला होगा, टॉ बराबर टी बाई जेड पी। दोनों लगभग ये सिमिलर हैं, जेड बराबर आई बटे वाई मैक्स, जहां आई होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई मैक्स मैक्सिमम पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम मिड फाइबर। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स डिजाइन में कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इसमें बेसिक पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है।